हाय गाइस, मेरा नाम है बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल इंसाइडर 09 चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपको टेराबॉक्स एप्लीकेशन को यूज़ करने का तरीका बताने वाले हैं। टेराबॉक्स एप्लीकेशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 10,024 GB जो है बिल्कुल फ्री में दे दी जाती है, जिसमें आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, अपनी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हैं, अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, अपनी किसी भी ऑडियो फाइल को, मीन्स कि किसी भी आप अपनी फाइल को, ऑडियो वीडियो को अपलोड कर सकते हैं 10,024 GB में। तो आपको बताएंगे कि आपने इसे कैसे यूज़ करना है, इसके अंदर जो है कैसे आपने अपना अकाउंट साइनअप करना है और इसे प्रॉपर कैसे यूज़ करना है, मीन्स कि अपनी जो फ़ोटो वीडियो आपने इसमें कैसे अपलोड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने इसे प्रॉपर कैसे यूज़ करना है। आपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। अब आपने यहाँ पर सर्च करना है टेराबॉक्स। जैसे आप यहाँ पर टेराबॉक्स सर्च करेंगे तो आपके सामने ना एप्लीकेशन आ जाएगी, ऐप आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा इनके रिव्यूज़ है, चेक कर सकते हैं। 4x4 इनके ना यहाँ पे 4.4 इनके मिलियन 1 मिलियन रिव्यूज़ हैं और यहाँ पे 3+ इसकी रेटेड है और यहाँ पे 50 मिलियन इसके प्लस डाउनलोड्स हैं। तो अब आपने इसे ओपन कर लेना है। अब जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने एग्री पे क्लिक करना है। अब जैसे आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग हो रही है। जैसे लोडिंग हो रही है तो आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि 10,024 GB आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाएगा, जिसमें आप अपनी कोई भी फ़ोटो, वीडियो, इसके अलावा डॉक्यूमेंट, ऑडियो फाइल कोई भी आप इसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अकाउंट बनाने के लिए आपको ना यहाँ पे साइन इन विद गूगल का ऑप्शन दे रहा है और आपको फेसबुक का ऑप्शन भी दे रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे अपना गूगल के थ्रू अपना अकाउंट यहाँ पे साइनअप करें, क्रिएट करें। तो आपने साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक आपसे कहेगा कि आप यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करें। तो आपने अपना ईमेल यहाँ पे ऐड कर देना है। अब जैसे आप यहाँ पे अपना ईमेल ऐड करेंगे तो जो आपका अकाउंट है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने अनेबल ऑटोमेटिक बैकअप पे नहीं क्लिक करना, आपने आस्क मी लेटर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जैसे आप आस्क मी लेटर पे क्लिक करेंगे तो आप वो आपने ऊपर से स्किप पे क्लिक करना है। अब जैसे आप स्किप पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने फिर से ऊपर से स्किप पे क्लिक करना है। अब जैसे आप स्किप पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा होगा। तो अब आपने यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 10,024 GB ऑफ फ्री, ठीक है, परमानेंट स्ट्रॉन्ग स्पेस आपको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। आपने अपनी कोई भी फ़ोटो वीडियो अपलोड करनी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी कैसे फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके साथ आपको एल्बम का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने एल्बम पे क्लिक करना है। जैसे आप एल्बम पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे सेलेक्ट एंड अपलोड फ़ोटोज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी एक फ़ोटो ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैं अपनी ये फ़ोटो ऐड करता हूँ, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने नीचे से अपलोड पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ोटो है अपलोड हो चुकी है, तो आपने यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपनी फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी जो फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ से आप अपनी फ़ोटो को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपने अपने फ़ोन से डिलीट भी कर दी हो तो ये इसमें तरीका है अपलोड करने का। अब आपने यहाँ से बैक आना है। जैसे आप यहाँ पर बैक आते हैं तो आपको यहाँ पर एल्बम के साथ वीडियो वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप अपनी कोई भी वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। आपने यहाँ पे आपने फ़ोटो, अगर अपनी फ़ोटो, वीडियो और जो भी आपने यहाँ पे रिकवर करना है ना अपने फ़ोन से डिलीट करते हुए, आपने यहाँ से अगर रिकवर करना है ना तो आपको आपने ईमेल के थ्रू यहाँ पे आईडी अपनी साइनअप की थी तो वो आपको याद होनी चाहिए ईमेल की। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो है इसे फ़ोटो को, वीडियो को, यानी कि किसी भी फाइल को रिकवर कर सकते हैं अपने फ़ोन में।